ब्रो, अगर आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है तो वो नोट छाप के देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती? नहीं ब्रो, आरबीआई ऐसा नहीं कर सकती। और फॉर एग्जांपल, आरबीआई ने ऐसा कर भी दिया कि बहुत सारी करेंसी प्रिंट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा बहुत सारा आ जाएगा और लोग डिमांड इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मर्सिडीज कार की डिमांड लोग एकदम से बढ़ा देते हैं, लेकिन सप्लाई कार की लिमिटेड है, से 500 यूनिट्स, तो क्या होगा, अल्टीमेटली कंपनी को अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, लोग फिर आरबीआई के पास जाएंगे पैसे लेने, फिर डिमांड बढ़ाएंगी और फिर कंपनी को अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, और यही साइकिल फिर चलती रहेगी। हाँ ब्रो, ऐसा रियल लाइफ में भी हो चुका है। जिम्बाब्वे में, जहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा लोगों में बांट दिया था और वहां बहुत बड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन हो गया था। इनफैक्ट गवर्नमेंट को 100 ट्रिलियन की करेंसी लानी पड़ी थी। हाँ ब्रो, तो वहां क्या हुआ, गरीबी खत्म? नहीं, वहां पर सबके पास पैसा था लेकिन पैसे के अगेंस्ट कुछ नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट छोटी सी छोटी कम्युनिटी जैसे कि ब्रेड बटर लेने के लिए भी लोगों को बोरा भर के पैसा लेके जाना पड़ता था। फाइनली उनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई और फिर उन्हें यूएस डॉलर अपनाना पड़ा। यस ब्रो, यू आर राइट। और वैसे भी करेंसी प्रिंट करने के लिए आरबीआई को मिनिमम ऑफिशियल रिजर्व यूएस डॉलर और गोल्ड का मेंटेन करके रखना पड़ता है। करेक्ट। ऐसी और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।